दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल NM फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बटर स्कॉच फ्रूट कस्टर्ड झटपट बन जाने वाली इजी रेसिपी। 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाएगा ये फ्रूट कस्टर्ड। अगर आप भी चाहते हैं मेरे स्टाइल से फ्रूट कस्टर्ड बनाना तो मेरी पूरी वीडियो को स्टेप बाई स्टेप फॉलो कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। 3 लिए हैं मैंने सेब, 5 लिए हैं मैंने केले, रहन रहे इन्हें हमें अभी नहीं काटना है। 3 लिए थे मैंने अनार, अनारों को मैंने छील के रख लिया है। एक छोटे बाउल में ली है मैंने चीनी, एक मुट्ठी ली है मैंने किशमिश, एक मुट्ठी ली है मैंने बादाम, एक मुट्ठी ली है मैंने यहाँ पर काजू। और लिया है मैंने यहाँ पर बटर स्कॉच कस्टर्ड पाउडर 1 किलो से थोड़ा ऊपर। मिल्क लिया है मैंने, कच्चा मिल्क है ये। अब किसी बड़े बर्तन में हम दूध को ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें से 1 कप दूध निकाल लेंगे उबालने से पहले। 1 कप दूध मैंने कच्चा हटा के रख लिया था। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 3 से 5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और इसको मिक्स करेंगे। जब तक कि चम्मच में से कस्टर्ड हट ना जाए इसे हम मिक्स करते रहेंगे इस तरह से। 2 से 3 मिनट लगेंगे मुझे कस्टर्ड मिल्क को मिक्स करने में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप कस्टर्ड को ठंडे ही दूध में मिक्स करना। गर्म दूध में अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी और अच्छी तरह से ये घुलेगा भी नहीं। ध्यान रहे ठंडे दूध में या कच्चे दूध में ही इसे हमें मिक्स करना है। दूध में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम मिक्स करेंगे कस्टर्ड का बनाया हुआ घोल। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम मिक्स करेंगे। 15 से 20 मिनट के बीच इसे हमें कुक करना है मीडियम फ्लेम पर। आप चाहें तो कस्टर्ड का घोल एक साथ भी डाल सकते हो, पर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करूँगी इस तरह से। अब बारी आ जाती है शुगर की। शुगर को इसमें हमने ऐड कर देना है। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा कस्टर्ड बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये साइडों में से लगने लगा है, इसका मतलब हमारा कस्टर्ड बनकर रेडी हो चुका है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे हम चूल्हे पर से हटा लेंगे। दूध हमारा ठंडा हो चुका है और इसे अब हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ध्यान रहे अभी इसमें हमें फ्रूट्स नहीं डालना है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे हम अपने छोटे छोटे पीसीस में कटे हुए एप्पल्स और ऐड कर देंगे इसमें हम बनाना। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब ऐड करेंगे इसमें किशमिश। बादाम को मैंने 2 पीस में कट कर लिया था, अब इसे भी हम ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम काजू। काजू मैंने थोड़े से बचा लेने हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अनार के दाने। अनार के दानों को डायरेक्ट नहीं डालेंगे, पहले इसको हम धोएंगे, किसी छन्नी में छान लेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे। और बस बनकर तैयार हो चुका है हमारा बटर स्कॉच फ्रूट कस्टर्ड। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ। साथ ही सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो।